हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रागनी किचन। आज हम बनाएंगे चिकन वाइट सॉस पास्ता। तो चलिए बनाते हैं चिकन वाइट सॉस पास्ता। पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया पैन और उसमें मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल जब हीट हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसमें गार्लिक पेस्ट डालना है। हाफ टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट मैंने डाला है। उसको लो फ्लेम पे स्टर करना है, भूनना है। ज़्यादा देर नहीं भूनना है, 20 से 30 सेकंड तक भूनना है इसको। जब ये भुना जाए तो इसमें चॉप्ड अनियन डालना है, प्याज डालना है। प्याज डालने के बाद इसको लगातार स्टर करना है, लगातार चलाना है 50 से 60 सेकंड के लिए। वाइट सॉस प्रिपेयर करने के लिए हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बिल्कुल हल्का ब्राउन कलर आए बस उतना ही भूनना है। तो 50-60 सेकेंड ही हमें भूनना है। 50-60 सेकेंड हो जाए तो इसमें हम मैदा डालेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर। मैदा मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें। मैदा डालने के बाद वापस से स्टर करना है और 30 से 40 सेकेंड के लिए स्टर करना है, ताकि मैदा भी थोड़ा सा पके। और साथ 30-40 सेकेंड होने के बाद इसमें मिल्क ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा मिल्क डालना है और मैदा को पकाना है। बीच बीच में मिल्क डालना है, एक बार में पूरा नहीं डालना। तो बीच बीच में मिल्क डाल के इसको लगातार स्टर करना है, चलाना है मीडियम फ्लेम पे और मैदा को, वाइट सॉस को पकाना है। बहुत ही इजी है वाइट सॉस बनाना, आपको लास्ट में पता चलेगा। बहुत ही इजी है, बहुत कम टाइम लगता है वाइट सॉस बनाने में। आप चिकन वाइट सॉस बनाओ या नॉर्मल वेज वाइट सॉस पास्ता बनाओ, बहुत ही इजी है। अब मैं इसमें वाइट पेपर डालती हूँ। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, बट अगर आप वाइट पेपर डालोगे, वाइट सॉस पास्ता है तो इसका कलर प्रॉपर वाइट रहेगा। तो रीज़न ये है वाइट पेपर डालने का। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नमक डालने के बाद इसको वापस से चलाना है। अब मैंने इसमें चॉप्ड कैप्सिकम डाला। आप कैप्सिकम डिफरेंट कलर्स के आते हैं, आप कोई सा भी डाल सकते हो, येलो, रेड, ग्रीन मैंने डाला है, आपके पास जो भी अवेलेबल है। इसमें चॉप करके अच्छे से कैप्सिकम को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालना है। अब मैंने इसमें चिकन डाला है। चिकन को मैंने फाइनली, बोनलेस चिकन, फ्लैश चिकन जो होता है उसको मैंने फाइनली चॉप कर दिया छोटे छोटे पीसेस में, तब मैंने इसमें डाला है। चिकन डालने के बाद 2 मिनट पकाना है लगातार स्टर करते हुए, और उसके बाद इसमें बॉयल पास्ता डालना है। पास्ता को मैंने बॉयल किया है लिटिल सॉल्ट एंड रिफाइंड ऑयल डालते हुए। मैं इसमें फूसली पास्ता डाल रही हूँ, आप कोई सा भी पास्ता ले सकते हो, पेने पास्ता, मैकरोनी, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है आप इसमें बॉईल करके डाल सकते हो। पास्ता डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। बट लगातार आपको स्टर करना है, लगातार चलाते रहना है। दो से तीन मिनट हमें इसको लगातार स्टर करना है, पकाना है। 2-3 मिनट हो जाए उसके बाद हमें इसमें चीज़ ऐड करना है। चीज़ लास्ट इंग्रेडिएंट है चिकन वाइट सॉस पास्ता बनाने में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स भी है। विदाउट चीज़ वाइट सॉस पास्ता कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं इसमें अब मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ डालने के बाद 1 मिनट तक पकाना है और लगातार स्टर करना है, लगातार चलाते रहना।
चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। विदाउट चीज़ पास्ता इनकम्प्लीट होता है, तो चीज़ तो हमें डालना है, बट चीज़ का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लिटिल डालना है। चीज़ मेल्ट हो चुका है, तो चिकन वाइट सॉस पास्ता रेडी है। इसको आप गरम गरम खाएं तो इसका और मज़ा आता है, बिकॉज चीज़ जम जाता है ठंडा होने के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।